एक ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो रहा है तो दूसरी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। सही देख, महामना एक्सप्रेस, और इसका रेक देखो कैसा है। 2:30 बजे भी आपको खाने पीने की चीजें मिलेगी WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पद्मावत एक्सप्रेस आ गई है। WAP 7 लोकोमोटिव के साथ, वो भी गाजियाबाद सेट का। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अपना रेक शेयर करती है अयोध्या कैंट एक्सप्रेस से। बाकी अब आपको मैं ये वाली ट्रेन तो नहीं दिखा पाऊंगा, यहीं से थोड़ा सा आप भीड़ देख लो। ये भी डेली रन करती है प्रतापगढ़ के बीच में। बाकी इस ओर कोई ट्रेन आ गई है, और ये आई है प्लेटफॉर्म 2 पे क्लोन स्पेशल, जो नई दिल्ली से दरभंगा और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलती है। अभी ये दरभंगा से आ रही हो जाएगी नई दिल्ली। दरभंगा नई दिल्ली, नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल। जनरल कोच जो है आगे की तरफ है, पीछे एक SLR कोच है जो कि खाली है, क्योंकि उसमें लेडीज और दिव्यांग जने जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। जब तक मैं थोड़ा सा आगे आता, पद्मावत एक्सप्रेस चलती है माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ के लिए। ये डेली रन करती है। भीड़ तो है इसके जनरल कोच में काफी ज्यादा, यहीं से आप देख लो कितनी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे पद्मावत एक्सप्रेस भी जा रही है। और यहाँ पे हम सफर का भी रेक लगा हुआ है। बाकी एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों, मतलब एक कोच एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, वो भी AC 3 टायर का। ये आप सामने देख सकते हो, भी ICF कोच का। और ये प्लेटफॉर्म 1 पे WAP 4 लोकोमोटिव के साथ नौचंदी एक्सप्रेस आ गई है। और ये वाली जो ट्रेन है ये आ रही है सहारनपुर से और जाएगी प्रयागराज संगम। चलते हैं फिर बाहर, बाहर से देखते हैं बरेली जंक्शन को रात के टाइम। तो ये है बरेली जंक्शन के बाहर का नज़ारा। बाहर काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, और यहाँ से एंट्रेंस है, सामने आप प्लेटफॉर्म 1 की ओर जाएंगे। बाकी इधर देखिए टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा, उस तरफ रोड भी हैं, सब चीज़ की फैसिलिटी आपको यहीं पर मिल जाएगी। बाहर निकलते आपको होटल की फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ में खाने पीने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। बाकी इस तरफ है जर्नल टिकट काउंटर, ये सामने, और ये रहा रेलवे स्टेशन, ये सामने है। कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है पैसेंजर की, बाहर ही बैठे हुए हैं, सो भी रहे हैं कुछ ज़्यादा पैसेंजर तो।
बाकी जनरल टिकट काउंटर ये सामने बना हुआ है। तो अभी बाहर ही बैठा हूँ और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। बाहर की सुख सुविधाएं मैंने आपको दिखा दी है और खाने की बहुत सारी वैरायटी है, मैंने कुछ खा पी भी लिया। अब चलते हैं फिलहाल वापस से प्लेटफॉर्म पे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है बाग एक्सप्रेस, जो काठ गोदाम से आई है और जाएगी हावड़ा। सामने देखो लिखा हुआ ऐसा है कि हम पढ़ भी नहीं सकते, बट वो लोग पढ़ लेंगे जो बंगाली पढ़ते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगा, ये सामने आप देख रहे हो ये डोरमेट्री है, बस जाके आपको पता करना पड़ेगा क्या इसका रेट वगैरह है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको ऐसा वेटिंग हॉल मिल जाएगा जिसके चार्जेस हैं एसी वेटिंग हॉल। बाकी भोजन का वही यहाँ प्रबंध है, 50 रुपये और 30 रुपये में, आप देख ही रहे हैं सामने। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि भोजन 50 रुपये में, नाश्ता 30 रुपये में प्लेटफॉर्म 1 पर आपको मिल जाएगा। आप देखिए हावड़ा काठगोदाम, काठगोदाम हावड़ा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लखनऊ मेल खड़ी है जो लखनऊ से नई दिल्ली की ओर जाती है। बाकी इस ओर बाग एक्सप्रेस खड़ी है और लखनऊ मेल का डिपार्चर भी हो गया है बरेली जंक्शन से। जब तक मैं पहुंचता मैंने सोचा यहीं से आपको दिखा दूं। दोस्तों जो बाग एक्सप्रेस ट्रेन है ये डेली रन करती है काठगोदाम से उत्तराखंड के वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन तक। और ये बाग एक्सप्रेस चल दी है हावड़ा के लिए। और अब मजा आएगा इस वाले में, एक कोच ICF का, वो भी ब्लू वाला लगा रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है इसको देख के, ये पुरानी यादें ताजा करती है। बाग एक्सप्रेस और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दून एक्सप्रेस आई है जो कि डेली रन करती है हावड़ा से योग नगरी ऋषिकेश के बीच में, और इसमें भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा होती क्योंकि ये डेली रन करती ना। और अब थोड़ी ही देर में आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शहीद एक्सप्रेस जो कि काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, अमृतसर से बिहार के जयनगर के बीच में चलती, ये वीक में केवल 4 दिन चलती, मंगलवार वीरवार शुक्रवार और संडे को चलती है और 1568 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो भी 35 घंटे लेती है। और ये दून एक्सप्रेस में देखो कैसे TT जो है सबको भगा रहे हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बंदे हैं देख लो। दून एक्सप्रेस चल दी है, बाकी इस ओर देखो शहीद एक्सप्रेस आ रही है। एक ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो रहा है तो दूसरी ट्रेन का अराइवल हो रहा है शहीद एक्सप्रेस, वो भी WAP-7 लोकोमोटिव के साथ आई है गाजियाबाद सेट का, इसे कहते हैं बरेली जंक्शन। ये अपना रेक भी शेयर करती है सरयू यमुना एक्सप्रेस से। तो देख रहे हो दोस्तों एक के बाद एक ट्रेन आ रही है, फिलहाल शहीद एक्सप्रेस का जो है डिपार्चर हो गया है, इसे कहते हैं बरेली जंक्शन। इसीलिए बरेली जंक्शन की जो वीडियो है रात की वो 2 भागों में दिखाया जा रहा है क्योंकि एक भाग में कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। बाकी आप डिपार्चर देख लीजिए शहीद एक्सप्रेस।
और थोड़ी ही देर में आने वाली है महामना एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से चलती है वाराणसी जंक्शन के बीच में। और ये वाली जो ट्रेन है वीक में केवल 3 दिन चलती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 6:40 पे, और सुबह अगले दिन 8 बजे के अराउंड आपको पहुंचाएगी वाराणसी जंक्शन। और ये WAP-5 लोकोमोटिव के साथ आया है गाजियाबाद सेट का महामना एक्सप्रेस। और इसका रेक देखो कैसा है, पहला रेक पता नहीं कैसा था, बाकी तो ये लगेज वाले कोच हैं। महामना एक्सप्रेस, और ये ICF का नॉर्मल कोच लगा रखा है। महामना एक्सप्रेस न्यू दिल्ली टू वाराणसी, और आगे 2 से 3 जनरल कोच मुझे दिखे। रात को 2:30 भी आपको खाने पीने की चीजें मिलेगी बरेली जंक्शन पे, आपके पास आएंगी खाने पीने की चीजें। और 2 मिनट रुकने के बाद महामना चल दी है वाराणसी जंक्शन के लिए। और इस वाली ट्रेन में पेंट्री कार भी दिखा रहा है, और देख लो कैसा पेंट्री कार है। और अब आने वाली है जनता एक्सप्रेस, जो कि चलती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बनारस के बीच में। ये डेली रन करती है, शाम को चलती है और अगले दिन दोपहर के 3:35 पे आपको पहुंचा देगी बनारस, और शाम को ये चलती 6 बजे के अराउंड। WAP-7 लोकोमोटिव के साथ आया है, वो भी गाजियाबाद सेट का जनता एक्सप्रेस। और आगे फर्स्ट AC का कोच लगा हुआ है, बाकी AC के कोच आगे हैं और जनरल जो कोच है वो पीछे हैं। और ये जनता एक्सप्रेस मात्र 2 ही मिनट रुकी और ये चल दी है बनारस के लिए। भीड़ भी इस वाली ट्रेन में नॉर्मल भीड़ है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन भीड़ तो है। देख लो ये भाई कैसे दौड़ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, पकड़ भी लिए ट्रेन। और 2 नंबर पे जो ट्रेन आई है ये है सत्याग्रह, जो आ रही रक्सौल से और जाएगी आनंद विहार टर्मिनल। और ये सत्याग्रह भी चल दी है आनंद विहार टर्मिनल के लिए। बाकी कोच देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना ये वाला। तरफ सत्याग्रह चल दी है, बाकी इस ओर भी कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। जनरल कोच आगे हैं, उसमें भी देख लो कैसे बंदे लटक लटक के ट्रैवल कर रहे हैं।
और जो पीछे ट्रेन आई है ये है अमृतसर न्यू तिनसुकिया जंक्शन एक्सप्रेस। ये आ रही है अमृतसर से और जाएगी न्यू तिनसुकिया। ये टोटल 60 घंटे की जर्नी तय करती है, 2830 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तीसरे दिन आपको पहुंच जाएगी न्यू तिनसुकिया जंक्शन। बाकी वीक में ना ये केवल एक ही दिन रन करती है, वो भी फ्राइडे को। ट्रेन में पेंट्री कार तो होना चाहिए और पेंट्री कार है, क्योंकि ये ट्रेन जो है 60 घंटे की जर्नी तय करती है ना। सोर लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो आ रही है लखनऊ से और जाएगी चंडीगढ़।